हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शीबा। आज मैं अपने किचन में स्वीट कोकोनट टोस्ट की रेसिपी दे रही हूँ। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने सबसे पहले 4 स्लाइस ब्रेड लिए हैं, जिनको कि मैंने कट कर दिया है। मैंने राउंड कटोरी से कट किया हुआ है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी नाइफ से कट कर सकते हैं, इसके एजेस निकाल सकते हैं। तो मैंने इसके एजेस रिमूव कर दी है और इसके एजेस को आप क्रम के रूप में भी यूज कर सकते हैं, या उसको ऐसे ही फ्राई करके भी आप इसको हल्का सा सॉल्टी बना करके खा सकते हैं। और ये है फूड कलर 1 पिंच, कार्डिमम 3 मैंने ली हैं, जिनको अच्छे से कूट के मैं इसके सिरप में डालूंगी। और सिरप बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम शुगर ली है। और ये है मेरा डेसिकेटेड कोकोनट। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें ऑयल की जरूरत पड़ेगी, घी, ऑयल, जो भी आप रिफाइंड ऑयल यूज करें। और देसी घी में बनाए तो बहुत यम्मी बनेगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पानी, मैंने 100 ml वाटर लिया है, जिसमें मैंने ये शुगर डाल दी है और इसका ये सिरप बनना स्टार्ट हो चुका है। इसमें कार्डिमम भी डाली हुई है मैंने। और ये मेरा फूड कलर, जिसमें मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड करा है, नॉर्मल वाटर, और अब मैं इसमें डाल दूंगी। और ये इसको पकने देना है जब तक कि इसकी शुगर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और मेल्ट होने के बाद भी हम इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। और इसको हम पकने देते हैं। और साथ ही हमने इधर अपना पैन रख लिया है, जिसमें हमारा ये घी है। और इसमें अब हम अपने ये स्लाइसेस, जो हमने कट करके रखे हुए हैं राउंड, ये हम डीप फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। फ्लेम हमने तेज कर दी है और अब हम इसमें डालते जाएंगे और एक एक करके इसको अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे से हम कर देंगे और जब एक साइड से हो जाएगा तो इसको हम टर्न कर देंगे। तो देखिए, ये मेरा दूसरी साइड से भी अच्छे से हो गया है, दोनों साइड से बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। थोड़ी सी देर मुझे और करना है, थोड़ा कलर अच्छा सा आ जाए, क्रिस्प भी हो जाए। ये देखिए, बहुत अच्छा क्रिस्पी हो गया है। ज्यादा भी नहीं करना है कि ये जल जाए। तो अब हमें इसका सारा एक्सेस ऑयल निकाल के और हमें एब्जॉर्बेंट पेपर पे ले लेना है। ये हम ऐसे लेते जाएंगे तो हमें इसी तरह से अपने बाकी के भी बना लेना है। और इधर की साइड भी हमारी सिरप फर्स्ट क्लास बनके तैयार हो रही है। इसकी चीनी मेल्ट हो चुकी है। थोड़ी देर हमें इसे पकने देना है। और ये भी हम एक साइड से हो जाएगी, दूसरी साइड से कर देंगे। इसको हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से करेंगे कि ये टूट भी ना जाए और बहुत अच्छे कलर की ये फ्राई हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये सब बनके तैयार हो गए हैं। ये मेरा लास्ट वन बन रहा है और बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। इधर मेरी चाशनी भी बनके तैयार हो चुकी है। तो बस अब ये मेरा हो जाए तो अब हम इससे इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। ये मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको बनाया है। बहुत तेज फ्लेम भी नहीं होना चाहिए और एकदम स्लो भी नहीं, मीडियम होना चाहिए। हो गया ये भी। अभी हम निकाल देंगे इसको भी। इसको भी हम पहले एब्जॉर्बिंग पेपर पे निकालेंगे, थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर हम इसमें रख देंगे। तो बन गया है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी भी गर्म है और हमारी ये टोस्ट भी गर्म है। अब हम इसमें ये एक एक करके डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा ये एब्जॉर्ब हो जाए, जब तक कि थोड़ा सा कुछ देर हमें इसमें छोड़ना पड़ेगा, 1 मिनट या उससे भी कम। थोड़ी देर इसको हम इसमें डिप करेंगे कि अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर ले इसका मीठा। और फिर हम एक एक इसको अपनी प्लेट में सर्व करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये सभी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए हैं और इनको हमने सबको बाहर निकाल लिया है इस तरह से। ये भी हमारा हो गया है तो उसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। और अब हम इसको, हमारा डेसिकेटेड कोकोनट ये है, इसमें हम वो अच्छे से इसको रोल कर देना है, अच्छे से इसके ऊपर पूरे में स्प्रेड कर देना है ये हमारा, कि पूरे में ये लग जाए, अच्छे से ये लग जाए। और फिर हम इसको प्लेट में सेट करते जाएंगे।
इसी तरह से ये हमारे सारे ही इसमें इसको पूरा कोट कर दिया जाएगा। ये बहुत ही यम्मी ये बनके तैयार होता है और बहुत झटपट रेसिपी है और बहुत टेस्टी होती है, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे स्वीट बनके तैयार हो चुकी है और बहुत यम्मी बनी है। इसको मैंने थोड़ा से ड्राई फ्रूट से गार्निश किया है, तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिए आपको कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।